तो जिस प्रकार हमने प्रार्थना के साथ शुरू किया और उसके बाद हमने होशे नबी की पुस्तक के 4:6 में देखा कि परमेश्वर हमें अपना याजक ठहराता है जब हम परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ नहीं जानते, आमीन, और हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए एक मन हो जाते हैं और परमेश्वर के वचन को सीखते हैं ताकि हम लोग जो हैं उस वचन के द्वारा आशीष पाएं और बहुत सारे लोगों के लिए हम आशीष का कारण बने, आमीन, हालेलुया। तो सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज फर्स्ट डे है, आज पहली क्लास है और आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये यहां पर आप देख पा रहे हैं, वन ईयर बाइबल सेमिनरी जो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक साल तक लगातार हम लोग बाइबल को सीखेंगे और इसमें बहुत सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। ये वन ईयर बाइबल सेमिनरी है, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं, वन ईयर बाइबल सेमिनरी है, एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स है और हर वेडनेसडे को जो है सुबह 10 बजे ये क्लास होगी, हर बुधवार को सुबह 10 बजे ये क्लास होगी और उसके बाद ये वीडियो जो है वो हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जिस पर आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। एक फोल्डर होगा, एक प्लेलिस्ट होगी जिसका नाम होगा वेडनेसडे बाइबल स्टडी वन ईयर बाइबल सेमिनरी, वेडनेसडे बाइबल स्टडी के नाम से, बुधवार बाइबल की शिक्षा के नाम से जो है एक फोल्डर होगा, एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें हर वीडियो, जैसे आज की भी जो वीडियो है उसको भी डाला जाएगा और हर बुधवार को जो भी बाइबल स्टडी होगी उनकी सारी वीडियोस को YouTube के ऊपर उस फोल्डर के अंदर, वेडनेसडे बाइबल स्टडी का जो फोल्डर है उसके अंदर डाला जाएगा और कोई भी किसी भी समय वो बाइबल स्टडी ले सकता है, वो उस फोल्डर में जाकर उस दिन की वीडियो को देख सकता है और नोट्स आसानी से बना सकता है। इस तरह से सब लोग देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि ये समय सूट नहीं हो रहा है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम YouTube के ऊपर ही आते हैं ताकि बाद में भी लोग देख पाएं और बाद में भी लोग नोट्स बना पाएं और हमारे साथ इस बाइबल ट्रेनिंग में, इस बाइबल प्रशिक्षण में शामिल हो पाएं, आमीन, हालेलुया। जो लोग जुड़ सकते हैं वो लोग जुड़ें, जो नहीं जुड़ सकते वो बाद में भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं, आमीन। तो ये एक साल का कोर्स है, हर बुधवार को, हर वेडनेसडे को इसी प्रकार सुबह 10 बजे बाइबल टीचिंग होगी और जिस तरह से आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और ये बाइबल स्टडी जो है, जैसा आपको बताया, हर वेडनेसडे को सुबह 10 बजे होगी और हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर होगी, ये हमने आपको बताया है। और अभी हम सबसे पहले लेवल को, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, फर्स्ट लेवल को सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं और आप लोगों को ये सिलेबस भेजा भी गया था कि हम क्या क्या सीखेंगे, फर्स्ट लेवल में हम क्या सीखेंगे, सेकंड लेवल में हम क्या सीखेंगे और थर्ड लेवल में हम लोग क्या सीखेंगे। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इसमें तीन लेवल होंगे, लगभग 4 महीने लेवल वन चलेगा जो अब जुलाई के मंथ से स्टार्ट हो गया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने ये लेवल वन जो है वो चलेगा। जुलाई, अगस्त,
सितंबर अक्टूबर लेवल वन ये चलेगा 4 महीने, और इन 4 महीनों में हर बुधवार को हफ्ते में एक दिन जो बाइबल स्टडी होगी, ये लेवल वन चलेगा। और इस लेवल वन के अंदर ये बातें हैं जो यहाँ पर लिखी हैं, जो बातें लेवल वन के अंदर पहले के 4 महीने के अंदर लेवल वन के अंदर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। सबसे पहली चीज है हाउ टू रीड द बाइबल, जैसा आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हाउ टू रीड द बाइबल, कि बाइबल हमको किस प्रकार पढ़नी चाहिए, इसको हम लोग सीखेंगे। बाइबल को हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए, और इसमें मुख्य बात कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और संदर्भ क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, तो किस प्रकार संदर्भ के अंदर हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए, संदर्भ क्या है, और किस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कौन सी बात किस संदर्भ में कही जा रही है। बहुत सारी बातें बाइबल के अंदर लिखी हैं जो भविष्यवाणी के रूप में है, बहुत सारी बातें बाइबल के अंदर लिखी हैं जो केवल एक ही जगह पर नहीं, उस बारे में और भी बाइबल के अंदर अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है। संदर्भ में हमको इस बात को हम समझेंगे कि कौन से चैप्टर से, कौन से वर्स से वो कॉन्टेक्स्ट, वो संदर्भ शुरू हो रहा है, और उसको हम लोग समझेंगे। तो बाइबल को इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे जिस प्रकार से हर एक विश्वासी को पढ़ना चाहिए, जिस प्रकार से हर एक विश्वासी को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग एक वचन को लेकर प्रचार करते हैं और वहां पर गड़बड़ होती है। बहुत सारे लोग एक वचन को लेकर उसके ऊपर विश्वास करते हैं और वहां पर गड़बड़ होती है। क्यों? क्योंकि हमें संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है कि किस व्यक्ति ने वो बात लिखी है, किसको वो बात लिखी है। जैसे पौलुस ने अगर लिखी है कुरंथियों की कलीसिया को लिखी है, तो कुरंथियों की कलीसिया में उस समय कौन कौन सी समस्याएं थी जिनका समाधान देते हुए पौलुस ने उन बातों को लिखा है, वो किस परिस्थिति में था, कहां पर था, और किसने उस बात को लिखा है, किसके लिए उस बात को लिखा है, कौन सी संस्कृति में रहकर, कौन से समय में रहकर वो बात लिखी गई है। इन बातों को हमें बहुत गहराई के साथ समझने की जरूरत है। हमें यहूदी कल्चर को समझना पड़ेगा, हमें इज़राइल देश के बारे में समझना पड़ेगा, हमें इब्रानी और यूनानी भाषा के बारे में समझना पड़ेगा, हमें इब्रानी और यूनानी संस्कृति के बारे में समझना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि वो बात किस संदर्भ में लिखी गई, कि पुरुष को सिर नहीं ढकना। लेकिन आप देखते हैं यहूदी कल्चर में पुरुष सिर ढककर प्रार्थना करते हैं। आपने जीसस मूवी देखी होगी, उसके अंदर यीशु मसीह भी सिर ढककर जो है भविष्यद्वक्ता की किताब को खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो संस्कृति को समझना पड़ेगा कि कहां पर वो बात लिखी है, किस समय की वो बात है, किस संस्कृति के संदर्भ में वो बात है, किस समय की वो बात है, किसने वो बात लिखी है, किस परिस्थिति में लिखी है, और किसको लिखी है, और किस कारण से लिखी है। इन सब बातों को हम लोग समझेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज लोग बस बाइबल को पढ़ लेते हैं, एक वचन को पढ़ लेते हैं और उसके संदर्भ को नहीं समझते, उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते। आप जब प्रेरितों के काम के 7 अध्याय को पढ़ेंगे, आप वहां पर देखेंगे पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। बहुत सारे लोग इस बात को अपने जीवन में ले लेते हैं कि पौलुस भी तो इस बात को कहता है कि जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता, और जो नहीं करना चाहता वो उससे हो जाता है। तो अगर हमसे भी वो सारी गलतियां हो रही हैं तो कोई बात नहीं, अगर पौलुस भी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन वो उसका संदर्भ नहीं है। आप जब देखेंगे कि
छठे अध्याय में पौलुस क्या बात कर रहा है, सातवें अध्याय में पौलुस क्या बात कर रहा है, आठवें अध्याय में रोमियो की पत्री में, सात अध्याय में आप इस बात को देखते हैं, लेकिन छह अध्याय में आप देखेंगे पौलुस अनुग्रह के बारे में बात कर रहा है, सात अध्याय में जब पौलुस अपनी समस्या को बताता है, आठ अध्याय में आप देखेंगे रोमियो की पत्री में पौलुस समाधान दे रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन हमको बिताना है, शरीर के अनुसार नहीं चलना, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है। लेकिन सातवें अध्याय में हमको प्रश्न तो मिल जाता है और हमको पाप करने का एक बहाना तो मिल जाता है, लेकिन आठ अध्याय को हम नहीं समझते, क्योंकि ये संदर्भ वही चल रहा है। पौलुस समस्या के साथ आठ अध्याय में समाधान को भी प्रस्तुत कर रहा है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, कि आत्मा से देह की क्रियाओं को हमें मारना है, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हम सात अध्याय में ही अगर रहेंगे और संदर्भ को नहीं समझेंगे कि आठ अध्याय में समाधान भी है, तो हम भी कहेंगे पौलुस ने भी कहा जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं होता और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है, तो अगर पौलुस से हुआ तो मुझसे भी हो गया, हम भी इसको एक बहाना बना लेंगे। ये गलत समझना है, ये वचन को गलत तरह से लेना है। ये परमेश्वर विश्वासियों से, मुझसे और आपसे कतई नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम वचन को इस तरह से लें, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम वचन को उस तरह से लें जिस तरह से परमेश्वर हमने हमें वचन दिया है, लेकिन हम अपनी मर्जी से लोग वचन को ले रहे हैं। पौलुस ने गलती की, पौलुस ने भी कहा इस बात को, हम कई बार कहते हैं दाऊद ने भी गलती की, हम कई बार कहते हैं अब्राहम ने भी झूठ बोला, तो क्या हम लोग झूठ बोल सकते हैं, क्या हम लोग व्यभिचार कर सकते हैं, क्या हम लोग भी कह सकते हैं कि हाँ मैं करना चाहता हूँ मुझसे नहीं होता और मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है? नहीं, इस तरह से परमेश्वर हमें वचन को देना नहीं चाहता, ये परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता है, ये परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। मैंने कहा ना, वचन का पता होना एक बात है, लेकिन वचन का ज्ञान होना ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये ही सबसे जरूरी बात है। दुष्ट आत्माएं भी वचन जानती हैं, शैतान भी वचन जानता है, याद रखिए इस बात को, शैतान भी वचन जानता है, दुष्ट आत्माएं भी वचन जानती हैं, लेकिन हमें केवल जानने वाला नहीं बनना है, हमें वचन को समझना है कि किस संदर्भ में वो बात कही गई है, कौन से अध्याय से वो बात शुरू हुई है, कौन से अध्याय पर जाकर वो बात खत्म हो रही है, कौन लिख रहा है, किस परिस्थिति में लिख रहा है, किसको लिख रहा है, समस्या का समाधान बता रहा है या किसी के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, इन बातों को मुझे और आपको समझना पड़ेगा मेरे प्रियो। इसी को कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, इसी को संदर्भ कहते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम लेवल वन के अंदर सीखने जा रहे हैं। लेवल वन के अंदर हाउ टू रीड द बाइबल, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में रहकर बाइबल को हम समझेंगे, ताकि सही ज्ञान, सही ज्ञान, सही विश्वास, सही विश्वास, सही सामर्थ, सही सामर्थ, सही गवाही, और वो केवल वचन की शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है, वो केवल वचन की शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। आमीन। इसलिए हम उसको इस प्रकार से सीखेंगे, और मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है एक बहुत बड़ी रिवाइवल, एक बहुत बड़ी जागृति आपके जीवन में आने जा रही है, आपके परिवार में आने जा रही है, आपके मसीही जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति जो है वो आने जा रही है। हालेलुया, एक बहुत बड़ा जागृति जो है इस वचन के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा आप लोगों के जीवन में आने जा रही है। दूसरा हम लोग सीखेंगे बाइबल स्टैटिस्टिक्स, बाइबल के जो, बाइबल के बारे में हम लोग सीखेंगे कि बाइबल में कितनी किताबें हैं हमको पता है,
बाइबल में कौन सी किताब किसने लिखी है, बाइबल में कौन सी किताब कब लिखी गई है, बाइबल की 66 किताबों को कितने भागों में बांटा गया है, बाइबल के अंदर कितने अध्याय हैं, बाइबल के अंदर कितने वचन हैं, है ना। और बाइबल को हम थोड़ा सा उसके स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ओल्ड टेस्टमेंट सर्वे, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं लेवल वन में जो हम सीखने जा रहे हैं, ओल्ड टेस्टमेंट सर्वे यहाँ आप देख सकते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट सर्वे और न्यू टेस्टमेंट सर्वे जो है वो भी हम लेवल वन के अंदर देखेंगे। ओल्ड टेस्टमेंट, ओटी का मतलब है ओल्ड टेस्टमेंट और एनटी का मतलब है न्यू टेस्टमेंट, यानी पुराना नियम हम देखेंगे पुराने नियम के बारे में और नए नियम के बारे में देखेंगे। जैसे पुराने नियम के अंदर बहुत सारे मेजर प्रॉफिट्स हैं और बहुत सारे माइनर प्रॉफिट्स जो हैं वो पुराने नियम के अंदर है। जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता हो गया, यहेजकेल भविष्यद्वक्ता हो गया, दानियल भविष्यद्वक्ता हो गया, ये इन लोगों को बाइबल स्कॉलर्स ने मेजर प्रॉफिट्स यानी इन लोगों को बड़े भविष्यद्वक्ताओं के रूप में बाइबल के अंदर रखा है। और साथ ही माइनर प्रॉफिट्स भी हैं जो भविष्यद्वक्ताओं की किताबें हैं जिनमें कम अध्याय है, जैसे अभी हमने होशे नबी की पुस्तक पढ़ी, योएल नबी की पुस्तक है, ओबद्या नबी की पुस्तक है, मलाकी है, मीका है, तो ये जो भविष्यद्वक्ता है इनको माइनर प्रॉफिट्स की श्रेणी में रखा गया है। तो ओल्ड टेस्टमेंट सर्वे में हम सारी चीजों को देखेंगे कि किस प्रकार पुराने नियम की 39 किताबों को कितने भागों में बांटा गया है और किस प्रकार से नए नियम की 27 किताबों को जो है बांटा गया है। जैसे पहली 4 किताबें जो नए नियम में हैं वो सुसमाचार कही जाती है, जैसे मत्ती रची सुसमाचार, है ना, लूका रची सुसमाचार, मरकुस रची सुसमाचार, यूहन्ना रची सुसमाचार, तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उसके बाद फिर प्रेरितों के काम, जहां से चर्च हिस्ट्री जो है स्टार्ट होती है, कलीसिया, कलीसिया का इतिहास जो है वो शुरू होता है, फिर पौलुस की पत्रियां, फिर वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो इनको हम लोग समझेंगे, पहले पूरी बाइबल के बारे में हम समझेंगे, फिर ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं बाइबल ज्योग्राफी, बाइबल ज्योग्राफी के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। 1, 2, 3, 4 नंबर के ऊपर आप देख सकते हैं लेवल वन के अंदर सबसे पहले हमने बाइबल को पढ़ना सीखा, बाइबल के संदर्भ के बारे में सीखा, फिर उसके बाद बाइबल के बारे में हम सीखेंगे कि बाइबल को कितने भागों में बांटा गया है, किस तरह से हमको पढ़ना है, किस तरह से समझना है, फिर पुराना नियम और नए नियम को हम लोग समझेंगे, इसको कितने भागों में किस तरह से बांटा गया है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, उसके बाद बाइबल ज्योग्राफी के बारे में हम लोग समझेंगे। ज्योग्राफी मतलब भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से हम लोग देखेंगे कि बाइबल जो है वो कहां कहां पर लिखी गई, किस किस जगह पर लिखी गई, कैसी कैसी परिस्थितियों में लिखी गई, कैसे कैसे समय पर लिखी गई, किन देशों में लिखी गई। और मैंने आपको बताया कि हमें कल्चर को समझना पड़ेगा, संस्कृति को समझना पड़ेगा, हमें यहूदी प्रथा को समझना पड़ेगा, यहूदी कल्चर को हमको समझना पड़ेगा, इज़राइल देश के बारे में हमें समझना पड़ेगा, हमें इब्रानी भाषा के बारे में समझना पड़ेगा, हमें यूनानी भाषा के बारे में समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि भौगोलिक दृष्टि से जब हम देखेंगे तब हमें सारी बातें समझ में आएंगी। आप देखें, मुझको आपने देखा होगा कि कोई दूसरा प्रचार कर रहा है और या कोई ऐसा व्यक्ति प्रचार कर रहा है जिसको बाइबल के बारे में ज्ञान है, जिसको यहूदी कल्चर के बारे में ज्ञान है, जिसको जिसने बाइबल सेमिनरी की है, बाइबल में
बैचलर डिग्री की हुई है या मास्टर डिग्री की हुई है, जिसको बाइबल का ज्ञान है, जिसको बाइबल का भौगोलिक ज्ञान है, जिसको कॉन्टेक्स्ट पता है, संदर्भ पता है, वो व्यक्ति कभी भी एक वचन को लेकर प्रचार नहीं करेगा। वो वचन और कहां कहां पर लिखा है, किस समय पे लिखा है, किस संस्कृति में लिखा है, किसके द्वारा लिखा है, किसको लिखा है, वो और वो बात कहां कहां लिखी हुई है, हर बात को देखेगा, समझेगा। आमीन। आत्मा के साथ साथ बुद्धि से भी हमको समझने की जरूरत है। ये बुद्धि के वचन है। आमीन। ये आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं, आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखे गए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये बुद्धि के वचन हैं, ये आत्मा के द्वारा भी लिखे गए हैं और ये बुद्धि के वचन भी हैं। इसलिए बुद्धि से भी इसको समझना है, बुद्धि से भी समझना है कि क्यों यीशु मसीह सिर ढक के प्रार्थना करते थे। सिर ढक के तो पुरुष को प्रार्थना करने के लिए मना किया है, तो यीशु मसीह क्यों सिर ढक कर प्रार्थना करते थे? तो कौन सी कलीसिया में क्या समस्याएं चल रही थी, पौलुस ने उस कलीसिया में क्या संस्कृति थी, क्या समाधान दिया वहां पर? उस कलीसिया में जो स्त्रियां थी तो वो कैसे कैसे बालों को, डिजाइन डिजाइन के बालों को, जूड़ों को और हेयर स्टाइल को बनाकर आती थी, जिस कारण से पौलुस ने कहा कि स्त्री को सिर ढकना है कलीसिया के अंदर, क्योंकि उस कलीसिया के अंदर वहां पर उस समय वो समस्या पाई जाती थी। हमें देखना पड़ेगा, भौगोलिक दृष्टि से हर एक बात को समझना पड़ेगा, किस समय की बात की जा रही है, किस स्थान की बात की जा रही है, किस संस्कृति की बात की जा रही है, कहां कहां पर वो बातें लिखी हैं, कहां कौन से अध्याय से शुरू हुई है, कौन से अध्याय में खत्म हो रही है। जैसे मैंने आपको उदाहरण देकर इस बात को समझाया। इसी को ज्ञान कहते हैं। प्रचार करना एक बात है और बाइबल का ज्ञान होना एक बात। परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं याजक किसे ठहराऊंगा, मैं याजक उसे ठहराऊंगा जिसने मेरे ज्ञान को तुच्छ नहीं जाना। लिखा है तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, हमने पढ़ा अभी होशेनवे की पुस्तक के 4:6 से, जहां से हमने ये बाइबल क्लास स्टार्ट की है, बाइबल सेमिनरी स्टार्ट की है। हमने इस बात को पढ़ा, इस बात को देखा। परमेश्वर कहता है क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे याजक, अपना याजक ना ठहराऊंगा। तो कौन याजक की अभिषेक को प्राप्त करते हैं, कौन याजकों का समाज बनते हैं, कौन एक प्रभावी विश्वासी बनते हैं, कौन एक राजपदधारी याजकों का समाज परमेश्वर की निज प्रजा के रूप में राज्य करते हैं, कौन आशीषित और सुपर ब्लेसेड लोग होते हैं? वे लोग जो परमेश्वर के वचन के ज्ञान को हासिल करते हैं। ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा शैतान भी वचन जानता है, दुष्ट आत्माएं भी वचन जानती हैं। वचन याद करना अच्छी बात है, वचन को पढ़ना अच्छी बात है, बाइबल को 9 बार 10 बार पूरा पढ़ना बहुत अच्छी बात है, सारे वचनों को याद करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमें केवल वचन पता ना हो, केवल वचन याद ना हो, बल्कि उन वचन के अंदर क्या ज्ञान है, क्या प्रकाशन है, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाती है। शब्द नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मारता है। शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाती है। आमीन। आप सीख रहे हैं, इसलिए हमें बाइबल प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है। मेरा विश्वास है जो लोग ये 1 साल बाइबल प्रशिक्षण लेंगे और बाइबल के कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, बाइबल के इतिहास को समझेंगे, यहूदी कल्चर को समझेंगे और इब्रानी यूनानी भाषा को समझेंगे, 1 साल के बाद ऐसे आग के शोले बनकर निकलेंगे, ऐसे ऐसे योद्धा बन के निकलेंगे 1 साल के बाद, और ऐसे वचन को सिखाने वाले उपदेशक बनेंगे
और ऐसे वचन को प्रचार करने वाले लोग बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ओ हालेलुया, बड़ा बड़ा बड़ी क्रांति आ जाएगी, सच में मैं आपको बता रहा हूं। एक बड़ा बदलाव आ जाएगा मसीही समाज के अंदर, एक बड़ी क्रांति आ जाएगी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ऐसे ऐसे अद्भुत 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 लोगों को निकलते हुए हम देखने जा रहे हैं आने वाले समय में। जो लोग इस बाइबल स्टडी को सीरियसली ले रहे हैं, इस बाइबल सेमिनरी को, और जो लोग सीख रहे हैं, इसलिए मेरे मन में प्रभु ने डाला कि नहीं, सबके लिए कर देता हूं इसको। पहले मैं सोच रहा था नहीं, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो लोग इसमें शामिल होंगे, बस उन्हीं लोगों को लेता हूं, लेकिन प्रभु ने मेरे मन में डाला नहीं, सबको, सबके लिए द्वार खुला है। कोई भी YouTube के ऊपर जा सकता है, कोई भी वेडनेसडे बाइबल स्टडी के फोल्डर को खोल सकता है, कोई भी स्टडी ले सकता है, कोई भी नोट्स बना सकता है, कोई भी एक साल पूरी स्टडी लेकर नोट्स बनाकर अपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट को हासिल कर सकता है, अभिषेक को हासिल कर सकता है। आमीन, हालेलुया। कोई भी, एनीवन। और ये बहुत जरूरी हम सब के लिए कि हम बाइबल को गहराई के साथ समझें। आमीन, हालेलुया। तो क्रिश्चियन हिस्ट्री के बारे में अगला पांचवा पॉइंट हमारा आ जाता है। क्रिश्चियन हिस्ट्री के बारे में भी जो है हम लोग सीखेंगे एक साल के इस बाइबल सेमिनरी के अंदर। चार महीने लेवल वन चलेगा, फिर चार महीने लेवल टू चलेगा, और फिर चार महीने लेवल थ्री चलेगा। इस तरह 12 महीने तक ये कोर्स चलेगा, और 30 जून 2024 को ये कोर्स पूरा हो जाएगा। 30 जून 2024 को ये कोर्स पूरा हो जाएगा। 1 जुलाई 2023 यानी इस जुलाई के मंथ से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आज पहली इंट्रोडक्शन की क्लास है, प्रार्थना के साथ एक वचन को पढ़ने के साथ हमने शुरू किया है। और मैं आपको बता रहा हूं आज की इंट्रोडक्शन में लेवल वन में कौन कौन सी चीजें हम सीखेंगे, लेवल टू में कौन कौन सी चीजें हम सीखेंगे, और लेवल थ्री में कौन कौन सी चीजें हम सीखेंगे। मैंने बाइबल कॉलेज किया, आप सब जानते हैं, मैंने बैचलर डिग्री भी किया है, मैंने मास्टर डिग्री भी किया है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो आप देख पा रहे हैं इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये मेरी मास्टर डिग्री है, ये मेरी मास्टर डिग्री है। इसको आप स्कैन करेंगे, अगर इसका जो ये QR कोड आ रहा है, ये QR कोड स्कैन करने से वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट के ऊपर जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर आप देख रहे हैं, मेरे नाम के नीचे जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, आप मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो मेरी डिटेल भी आ जाएगी कि हाँ, सिद्धार्थ टाइटस ने हमारी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कंप्लीट की है। आमीन। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि मैंने स्वयं इस बात को अपने जीवन में देखा है कि बाइबल सीखना कितना जरूरी है। मैंने बैचलर डिग्री की है, मास्टर डिग्री की है, 5 साल बाइबल कॉलेज किया है, 5 साल बाइबल कॉलेज किया है। इस बात को मैंने स्वयं देखा है कि कितना जरूरी है हमारे जीवन में। और आपने मेरा प्रचार सुना है, आपने मेरी सेवा को देखा है, जो भारत के हर राज्य में, देश में, विदेश में, टेलीविजन के ऊपर, और सामर्थी तरह से परमेश्वर बड़े अनुग्रह के साथ इस्तेमाल कर रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। आमीन। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई क्या आपने बाइबल का कोई प्रशिक्षण किया है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि हाँ, हम पास्टर सिद्धार्थ टाइटस के द्वारा 1 साल का कोर्स जो है बाइबल सेमिनरी हम लोग कर रहे हैं, और वो YouTube के ऊपर हर वेडनेसडे को
हमारी क्लास ऑनलाइन होती है और हम ऑनलाइन बाइबल कॉलेज कर रहे हैं। हम ऑनलाइन बाइबल का एक साल का डिप्लोमा जो है वो कर रहे हैं और हमको जो है अगले साल जून के महीने में वो सर्टिफिकेट एक साल वाला जो है वो मिल जाएगा। आमीन। आप इस प्रकार से बता सकते हैं। एफिलिएशन की बात करें तो सिद्धार्थ टाइटस मल नाम ही काफी है, अगर आप बताएंगे तो वही एफिलिएशन काफी है। आमीन। नाम ही काफी है, परमेश्वर की महिमा हो इन सब बातों के द्वारा। थैंक यू जीसस। मेन बात है कि हम लोग सीख रहे हैं, मेन बात है कि हम लोग सीख रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम लोग सीख रहे हैं। आमीन। तो ये सारी बातों को हम लेवल वन के अंदर सीखेंगे। क्रिश्चियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग सीखेंगे, मसीही इतिहास के बारे में हम लोग सीखेंगे, किस प्रकार कैथोलिक लोग, फिर कैथोलिक के बाद फिर किस प्रकार मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, वहां से प्रोटेस्टेंट बने, कैसे मेथोडिस्ट आया, कैसे CNI आया, कैसे बैप्टिस्ट आया, कैसे पेंटिकॉस्टल आया, है ना, कैसे पेंटिकॉस्टल रिवाइवल जो है वो शुरू हुआ और ये अलग अलग डिनोमिनेशन किस प्रकार बने, कौन से डिनोमिनेशन की क्या मान्यता है, CNI वाले क्या मानते हैं, बैप्टिस्ट वाले क्या मानते हैं, मेथोडिस्ट वाले क्या मानते हैं, पेंटिकॉस्टल वाले क्या मानते हैं, कैथोलिक वाले क्या मानते हैं, क्या सही है क्या गलत है, किस व्यक्ति को किस प्रकार सुसमाचार सुनाना है, ये सारी बातें हम लोग इस लेवल वन के अंदर क्रिश्चियन हिस्ट्री के अंदर हम लोग इस बात को सीखेंगे। आमीन हालेलुया। साथ ही छठे नंबर के ऊपर आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है हाउ टू प्रे इंडिविजुअल एंड फॉर अदर्स। हाउ टू प्रे इंडिविजुअल एंड फॉर अदर्स, प्रार्थना के बारे में हम लोग लेवल वन के अंदर सीखेंगे। इन सब बातों को सीखने के साथ साथ लेवल वन के अंदर प्रार्थना के बारे में भी हम लोग सीखेंगे कि प्रार्थना जब हम व्यक्तिगत रूप में कर रहे हैं, अकेले गुप्त में व्यक्तिगत रूप में जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो किस प्रकार प्रार्थना हमें करनी चाहिए, और जब हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो प्रार्थना हमें किस प्रकार करनी चाहिए, ये दोनों बातें हम लोग सीखेंगे लेवल वन के अंदर। और आखिरी और सातवीं बात जो हम लेवल वन के अंदर सीखेंगे, हम सीखेंगे हाउ टू शेयर द गॉस्पल, यानी इवेंजलिज्म के बारे में, सुसमाचार सुनाने के बारे में हम लोग लेवल वन के अंदर सीखेंगे। तो कितनी बातें हम लोग सीखेंगे? सात बातें। सात बातें, पहले के चार महीने लेवल वन चलेगा, फिर चार महीने लेवल टू और फिर चार महीने लेवल थ्री। हर चार महीने में एक लेवल को हम लोग खत्म करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हमको ये सात बातें पूरी करनी है। हर लेवल कंप्लीट करने के बाद आपको एक छोटा सा एग्जाम जो है देना होगा। चार महीने के बाद, हर चार महीने के बाद, हर लेवल को कंप्लीट करने के बाद आपको एक छोटा सा एग्जाम जो है वो देना होगा, जिसमें आपसे चार पांच आसान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उन क्वेश्चंस का जवाब लिख कर, आपको उन नोट्स की फोटो खींच कर मुझको व्हाट्सएप के ऊपर भेजना है, और वो बहुत आसान होंगे। जो हम सीख रहे हैं उसी से संबंधित आपसे वो बातें जो है वो पूछी जाएंगी। इस तरह से हर चार महीने में आपका एग्जाम होगा। लेवल वन के बाद एक एग्जाम, फिर चार महीने पढ़ाई, फिर एक एग्जाम, फिर चार महीने पढ़ाई, फिर एक फाइनल एग्जाम। आमीन। तो इस तरह से तीन बार आपको आसान से प्रश्नों का उत्तर देना होगा। YouTube के ऊपर ये वीडियोस मौजूद रहेंगी। आप कभी भी ऐसा नहीं कि आपने एक बार देख लिया, अभी इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा तो आप सारी वीडियोस डेट वाइज आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेंगी, जो वेडनेसडे बाइबल स्टडी के नाम से जो प्लेलिस्ट, जो फोल्डर बनेगा,
आप कोई भी डेट का, कभी भी, किसी भी लेवल का, कोई भी क्लास कभी भी देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और आमीन, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे मजबूती के साथ, हालेलुया, पूरे जोश के साथ, हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। और कैसे सुसमाचार सुनाना है उसको भी हम सीखेंगे, हम इन सारी बातों को सीखेंगे। तो ये सात बातें जो हैं, ये लेवल वन के अंदर हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लेवल टू में आ जाते हैं। लेवल वन के बाद हम लोग लेवल टू के अंदर आ जाते हैं। लेवल टू आप देख पा रहे हैं इस समय स्क्रीन के ऊपर। लेवल वन के अंदर मैंने आपको बताया ये सात बातें आएंगी, लेवल टू के अंदर ये बातें आएंगी जो इस समय आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और ये सारी चीजें, सारा सिलेबस आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। ये आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेजा भी गया है और दोबारा भी भेज दिया जाएगा। आज पूरा सिलेबस आप सभी को दोबारा आज भेज दिया जाएगा, लेकिन ये पूरा सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आपसे कोई पूछे, आप एक साल का बाइबल कोर्स कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें सिखाई जा रही हैं, तो आप उनको बोलोगे हमारे तीन लेवल हैं। लेवल वन के अंदर हम ये बातें सीखेंगे, लेवल टू के अंदर हम ये बातें सीखेंगे, लेवल थ्री के अंदर हम ये बातें सीखेंगे। तो आप किसी को भी बता सकते हो तो वो कहेगा कि हाँ आप बहुत अच्छी बातों को सीख रहे हैं और सही बातों को आप लोग सीख रहे हैं, वेरी गुड। तो हमको सिलेबस पता होना चाहिए। बच्चा जब भी स्कूल में जाता है उसको सिलेबस पता होता है कि हाँ उसको यूनिट टेस्ट के लिए क्या करना है, टर्मिनल एग्जाम के लिए क्या करना है, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए क्या करना है, एनुअल एग्जाम के लिए क्या करना है, उसको पता है, उसको पता है तीन महीने के अंदर ये करना है। आपको भी पता है कि चार महीने के अंदर लेवल वन करना है, फिर बाद के चार महीने में फिर लेवल टू करना है, फिर आखिरी के चार महीने में लेवल थ्री करना है। और किस लेवल में क्या क्या बातें आती है ये भी आपको पता है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए पूरी मजबूती के साथ। कुछ करना है तो पूरी मजबूती के साथ करना है, हालेलुया। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं, अगर करना है तो पूरी मजबूती के साथ करना है। कल को आप सबको बोल पाएंगे मैंने एक साल की बाइबल सेमिनरी की हुई है, मैंने एक साल की बाइबल सेमिनरी की है। कोई कल आपसे पूछेगा कल को आपने क्या बाइबल में कोई ट्रेनिंग की है, बाइबल में कोई डिप्लोमा किया है, बाइबल में कोई सेमिनरी की है, कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, आप कह सकते हो हाँ मेरे पास गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रस्ट का एक सर्टिफिकेट है, मैंने पास्टर सिद्धार्थ टाइटस मल के द्वारा बाइबल सेमिनरी की है ऑनलाइन, पूरे एक साल का डिप्लोमा मेरे पास है। ये जवाब आप दे सकते हो, इन इन बातों को मैंने सीखा है, आमीन। और मैं आने वाले समय में जो हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट है www.firetvapostletitus.com, ये जो हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर बाइबल सेमिनरी का एक फोल्डर होगा, बाइबल सेमिनरी का एक फोल्डर होगा। जो जो लोग एक साल तक हमारे द्वारा, मेरे द्वारा, जो लोग एक साल तक बाइबल ऑनलाइन बाइबल कॉलेज करेंगे, बाइबल सेमिनरी करेंगे, एक साल तक तीनों लेवल कंप्लीट करेंगे, एग्जाम देंगे, पास होंगे, जितने लोग भी होंगे, जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, उन सब के नामों को मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर उस फोल्डर के अंदर डलवाऊंगा। कोई भी आपसे आने वाले समय में प्रूफ मांगे, जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसके ऊपर वो नंबर लिखा हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा हुआ होगा, और कोई भी आपसे प्रूफ मांगे कि क्या प्रूफ है, तो आप हमारी वेबसाइट खुलवाएंगे उसके फोन में, लैपटॉप में। जब वो वेबसाइट खोली जाएगी, उस वेबसाइट के ऊपर वो बाइबल सेमिनरी वाला फोल्डर होगा, उस फोल्डर के ऊपर आप वो अपना नंबर डालेंगे, उस नंबर को डालने से आपका नाम आएगा और आपने कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक, कौन से बैच में, कितने दिनों का
एक साल का जो भी आपने बाइबल सेमिनरी किया उसका पूरा रिकॉर्ड हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी देख सकता है, पूरा रिकॉर्ड हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी देख सकता है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम पूरे बुद्धि के साथ करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, आमीन। तो उसका रिकॉर्ड होगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसका रिकॉर्ड होगा हमारी वेबसाइट के ऊपर कि हाँ आपने हमारे द्वारा शिक्षा ली है और आपने एक साल का ये कोर्स कंप्लीट किया है। ये भी आने वाले समय में होगा, आमीन हालेलुया। तो लेवल टू के बारे में अब हम देख लेते हैं। लेवल टू के अंदर जो लेवल टू के अंदर जो बातें हम लोग सीखेंगे, वर्शिप करने के बारे में हम सीखेंगे, नया गीत लिखने के बारे में हम सीखेंगे, कलीसिया में और लोगों के बीच में मंडली में प्रचार करने के बारे में, ऑनलाइन प्रचार करने के बारे में हम सीखेंगे, सच्चे पश्चाताप के बारे में हम सीखेंगे, विश्वास के बारे में हम सीखेंगे। जो मेन बातें हैं, जो तीन बातें इसमें लिखी हैं, ये अक्सर बातें हम लोग सीखते हैं चर्चेज में ऑनलाइन, मेरे द्वारा भी आपने बहुत सारी बातों को इनमें से सीखा है पहले भी, लेकिन जो मेन बातें हैं वो नीचे की तीन बातें हैं जो मेन लिखी हुई हैं, है ना। वर्ल्ड रिलीजन्स के बारे में हम सीखेंगे कि संसार में कौन कौन से धर्म पाए जाते हैं, हर एक धर्म के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन से धर्म की क्या मान्यता है, किस धर्म की क्या मान्यता है, आमीन हालेलुया, किस धर्म की क्या मान्यता है, किस धर्म के व्यक्ति को किस प्रकार हमें सुसमाचार सुनाना है, वो हमें पता होना चाहिए। कौन व्यक्ति किस बात के ऊपर विश्वास करता है, किस बात के ऊपर विश्वास नहीं करता है, किसका क्या विश्वास है, लोगों की क्या विश्वास है, लोगों की क्या मान्यताएं हैं, है ना। इन सब चीजों के बारे में हम सीखेंगे और साथ ही पानी के बपतिस्मे के बारे में हम सीखेंगे और पवित्र आत्मा के बहने के मैनिफेस्टेशन के बारे में हम सीखेंगे। ये सारी बातें लेवल टू के अंदर आप लोगों को सिखाई जाएंगी और उसके बाद लास्ट लेवल आएगा, वो है हमारा लेवल थ्री। लास्ट जो हमारा लेवल आएगा वो है हमारा लेवल थ्री, जो आखिरी के चार महीने में हम लोग सीखेंगे, जिसमें पवित्र आत्मा के हमको बदलने की जो प्रक्रिया है कि पवित्र आत्मा में यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदल रहा है, उसके बारे में, उस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में हम लोग सीखेंगे, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में और पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में हम लोग सीखेंगे और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में हम लोग सीखेंगे और साथ ही साथ पवित्र आत्मा के उतरने के बारे में, यानी पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में, और अभिषेक के जो तीन स्तर आपको सिखाए गए थे, विश्वासी का अभिषेक, याजक का अभिषेक और राज्य अभिषेक, वो अभिषेक के तीनों स्तर के बारे में हम सीखेंगे। और आज भी हमने इस बात को देखा कि याजकीय अभिषेक हमारे जीवन में तब हमको परमेश्वर देता है, याजकीय अभिषेक, जब हम परमेश्वर के वचन को सीखने में मन लगाते हैं। और ये जो आप एक साल इन सारी चीजों को सीखने जा रहे हैं और ये सर्टिफिकेट आप हासिल करने जा रहे हैं, ये अधिकार आप हासिल करने जा रहे हैं, आप एक याजक के अभिषेक को हासिल करने जा रहे हैं, आमीन, एक याजक के अभिषेक को आप हासिल करने जा रहे हैं। बाद में जब अनॉइंटिंग सेशन होगा, एक साल का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, आप सबको दिल्ली बुलाया जाएगा, आप सब लोग दिल्ली आएंगे, आप सब लोगों के सिर पर तेल डालकर आप सब लोगों को अभिषेक किया जाएगा याजकीय अभिषेक के लिए और आप सब लोगों को सर्टिफिकेट्स जो है वो दिए जाएंगे, आमीन। तो ये एक याजकीय अभिषेक है जिसमें हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, हमने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ नहीं जाना,
इसलिए परमेश्वर हमें याजक होने के योग्य ठहराता है और हमें याजक के अभिषेक देता है ताकि हम उसके सुसमाचार को सुनाएं, उसकी आराधना करें, आत्माओं को जीतें। आमेन, हालेलुया, प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। हालेलुया, एक एक राजपदधारी याजकों के समाज के रूप में, हालेलुया, एक प्रशिक्षण पाए हुए, एक ट्रेनिंग पाए हुए लोगों के रूप में हम परमेश्वर की महिमा करें। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब बातों को हम सीखेंगे और एक्सप्लेनेशन ऑफ द फाइव मेजर मिनिस्ट्री कॉलिंग, सेवकाई में जो भी कॉलिंग है, बुलाहट है, उसके बारे में हम सीखेंगे कि एक प्रेरित की बुलाहट, एक भविष्यद्वक्ता की बुलाहट, एक प्रार्थना योद्धा की बुलाहट, एक आराधक की बुलाहट, एक उपदेशक की बुलाहट, एक चरवाहे की बुलाहट, आमीन, इन सब चीजों के बारे में, एक सुसमाचार प्रचारक की बुलाहट, इन सब बुलाहट के बारे में हम सीखेंगे। और लास्ट के दो पॉइंट यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लास्ट में हम लोग सीखेंगे, जो सबसे आखिर में हम लोगों को सिखाए जाएंगे। एक तो हम इज़राइल देश के बारे में हम लोग सीखेंगे, यहूदी कल्चर के बारे में, यहूदी संस्कृति के बारे में हम लोग सीखेंगे, यहूदी संस्कृति के बारे में, यहूदी कल्चर के बारे में हम लोग सीखेंगे, यहूदी ग्रंथों के बारे में हम लोग सीखेंगे, यहूदी ग्रंथों के बारे में, जो मुख्य मुख्य, जैसे तालमूद है, जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं यहूदी ग्रंथ, उनके बारे में हम सीखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो हैं वो हम लोग जो है वो ग्रीक भाषा के बारे में हम लोग सीखेंगे, यूनानी भाषा के बारे में हम लोग सीखेंगे, थोड़ा इब्रानी भाषा के बारे में भी सीखेंगे, लेकिन अधिक हम यूनानी भाषा के बारे में सीखेंगे, ग्रीक लैंग्वेज के बारे में। मैंने ग्रीक भाषा में एक साल का डिप्लोमा भी किया हुआ है, ग्रीक भाषा को मैंने सीखा हुआ है, मुझे ग्रीक भाषा लिखनी आती है, थोड़ी पढ़नी भी आती है, और ग्रीक के वर्ड्स को, मुख्य मुख्य शब्द जो बाइबल में इस्तेमाल हुए हैं, उन शब्दों को इब्रानी भाषा के और यूनानी भाषा के, हिब्रू लैंग्वेज के और ग्रीक लैंग्वेज के हम लोग जो है सीखेंगे। जो मैथ्स में जो सिंबल्स होते हैं ना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, आपने ये सिंबल्स देखे होंगे मैथ में, जब हमने मैथ पढ़ी थी तो उसमें सिंबल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, है ना, ये सारे ग्रीक भाषा से ही लिए गए हैं, यूनानी भाषा से ही लिए गए हैं। और इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और ग्रीक जो लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा जो है, जैसा हम सब जानते हैं यूनान देश के बारे में, ग्रीस कंट्री के बारे में, है ना, तो ग्रीक लैंग्वेज के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, आयोटा, कप्पा, लैम्डा, म्यू, न्यू, जाई, जेटा, एटा, थीटा, ये सारे जो हैं, ये जो भी ये वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, ये ग्रीक के वर्ड्स। फिलियो का मतलब होता है लव, सू का मतलब होता है यू, मो का मतलब होता है आई, है ना, तो इस तरह से हम लोग सीखेंगे। जैसे हम बोलते हैं आई लव यू, तो उसको कैसे बोलेंगे, मो फिलियो सू, मो यानी आई, फिलियो मतलब लव और सू मतलब यू, तो मो फिलियो सू यानी आई लव यू। हम उसको थोड़ा सा सीखेंगे, उसके थोड़ी ग्रामर को सीखेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स को सीखेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को सीखेंगे, थोड़ा सेंटेंस बनाना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे, जैसे एस के लिए सिग्मा यूज किया जाता है ना, आई के लिए यूज किया जाता है, डी के लिए जैसे डेल्टा यूज किया जाता है, तो अल्फा जैसे होता है, अल्फा के लिए ए यूज किया जाता है, इंग्लिश भाषा का ए, है ना, तो इस तरह से मैं आपको लिखकर भी दिखा सकता हूं। और हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो नया नियम है
पूरा वो ग्रीक भाषा में लिखा गया, वो 27 किताबें, जब मूल शब्द हमें पता होंगे तभी हम उन बातों को सही प्रकार से समझ पाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, आपको, मैं सच बता रहा हूं, आपको इतना आश्चर्य होगा जब आप इन बातों को देखेंगे। जब मैंने सीखा था ना, मुझे सच में बहुत आश्चर्य हुआ था। मैं सच बता रहा हूं आपको, अगर आप सिर्फ हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं, सिर्फ हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं, आपको वचन केवल 40% समझ में आए, केवल 40% आप समझ सकते हैं कि क्या लिखा है। 40% अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ते हैं, है ना, अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ते हैं तो आपको 60% समझ में आ जाएगा, 60% आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सिर्फ हिंदी पढ़ते हो आपको बाइबल 40% समझ में आएगी, अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हो आपको बाइबल 60% समझ में आएगी। लेकिन अगर आपको इब्रानी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए और यूनानी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, और जो मूल शब्दों को बार 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 इस्तेमाल किया गया है, हमने देखा ना, मैंने आपको वो शब्द बताए मन फिराने के बारे में, कि इब्रानी भाषा में कौन कौन से मन फिराने के बारे में शब्द इस्तेमाल हुए, और यूनानी भाषा में मन फिराने के बारे में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल हुए, और उन शब्दों का अर्थ क्या है, मूल शब्दों का मूल अर्थ क्या है, आपको हैरानी होगी। मैं आपको सच बता रहा हूं, हिंदी में तो एक ही शब्द इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यूनानी भाषा में और इब्रानी भाषा में हर जगह पर अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल किया गया, हर जगह पर अलग अलग। आप हिंदी में देखते हैं लिखा है प्रेम, है ना, प्रेम, प्रेम रखना, प्रेम रखो, प्रेम करो, प्रेम 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 शब्द हिंदी में इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश में आप जाओगे लव 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 इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब आप इब्रानी भाषा में जाओगे और यूनानी भाषा में जाओगे जिसमें बाइबल सबसे पहले लिखी गई, पुराना नियम इब्रानी भाषा में और नया नियम यूनानी भाषा में, और भी अरेमिक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज और भी कुछ भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मुख्य रूप से इब्रानी और यूनानी भाषाओं का ही बाइबल के अंदर इस्तेमाल किया। आपको हैरानी होगी कि जो पति पत्नी से प्यार करता है उसके लिए, प्रेम के लिए अलग शब्द इस्तेमाल हुआ है, जो एक पिता अपने पुत्र से प्यार करता है उसके लिए प्रेम का एक अलग शब्द इस्तेमाल हुआ है, जो एक प्रेमी एक प्रेमिका से प्यार करता है उसके लिए एक अलग प्रेम के शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो परमेश्वर हमसे प्यार करता है उसके लिए एक अलग प्रेम के शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हर जगह फिलियो शब्द नहीं आया, अलग अलग शब्द, अलग अलग शब्दों का हर प्रेम, यानी ये जो शब्द है ना जो मूल भाषा के हम सीखेंगे, इसमें हम इस बात को समझेंगे किस एहसास के साथ वो बातें बोली गई हैं, किस किस अपेक्षा के साथ वो बातें बोली गई हैं। इतनी गहराई है, जब आप मूल भाषा को देखेंगे, जब आप मूल शब्दों को देखेंगे आप वास्तव में समझ पाओगे। हिंदी में तो लव लिखा है, गॉड लव्स मी, हस्बैंड लव्स हिज वाइफ, फादर लव्स हिज सन, पिता अपने बेटे से प्यार करता है तो भी लव लिखा है, पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो भी लव लिखा है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो भी लव लिखा है। हिंदी में प्रेम लिखा है, पिता बालकों से प्रेम करता है, हिंदी में प्रेम लिखा है, पति पत्नी से प्रेम रखे, हिंदी में प्रेम लिखा है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। लेकिन ऐसा इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में ऐसा नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है, वहां तो अलग अलग शब्दों को लिखा है, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो सोचिए, जो हिंदी में पढ़ता है और इंग्लिश में पढ़ता है, क्या वो कभी उस एहसास को समझ पाएगा कि वास्तव में क्या उसका वास्तविक अर्थ है, क्या उसका प्रकाशन है, क्या उसका ज्ञान है। यही है, यही है
जो परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। तो मैंने आपको बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आज दिया है और बहुत अच्छे से आपको इन सब बातों को समझाया है कि अगर हमें संदर्भ नहीं पता होगा तो हम भी पौलुस की तरह से कहेंगे ना कि हाँ एक कांटा चुभा है। हाँ, हम भी पौलुस की तरह से कहेंगे जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे नहीं होता। हम भी इस तरह से कहेंगे कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है ना। लेकिन हम अगर संदर्भ को नहीं समझेंगे, कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे, हम देखें वो बात कहाँ से शुरू हुई है, हम सिर्फ एक वचन को लेकर और पाप करने का और अपने गलत विश्वास को हम बना लेते हैं, गलत विश्वास से गलत सामर्थ्य कार्य करती है और गलत सामर्थ्य से गलत गवाही तैयार होती है। वो याजकों का समाज नहीं बन पाता, वो एक प्रभावी प्रजा नहीं बन पाती है क्योंकि सही ज्ञान नहीं है, सही प्रकाशन नहीं। लेकिन पौलुस समाधान भी दे रहा है कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। हालेलुया, आत्मा के चलाए चलो, जितने आत्मा के चलाए चलते वही परमेश्वर के पुत्र है। लेकिन लोग एक वचन को लेकर बैठे। हमें संदर्भ को समझना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। ये सारी चीजें प्रचार में नहीं समझाई जा सकती, ये सारी चीजें संडे को चर्च में प्रचार करते समय नहीं समझाई जा सकती, ये सारी चीजें फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में प्रचार करते नहीं समझाई जा सकती। इसीलिए प्रभु ने मेरे मन में डाला कि अलग से एक बाइबल प्रशिक्षण दिया जाए जिसमें ये सारी मुख्य बातें लोगों को समझाई जाए। आमीन, हालेलुया। और मेरा विश्वास है एक बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी महिमा आपको मिले मेरे परमेश्वर। तो आज की इस सभा को यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूं, आज की इस बाइबल क्लास को यहीं पर मैं खत्म कर रहा हूं। तो ये दो वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अभी आएंगी, लेकिन इन दोनों वीडियोस को मैं बाद में एक वीडियो बनाकर कोशिश करूंगा यूट्यूब के ऊपर डालने के लिए। और ये आज की इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आपको बताया गया है कि तीनों लेवल में हम कौन कौन सी बातों को सीखेंगे, और अगले वेडनेसडे से लेवल वन का फर्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू हो जाएगा। आज से आपकी स्टडी शुरू हो गई है। जो जो लोग पूरे साल कमिटमेंट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप सुबह 10 बजे ही हमारे साथ जुड़े, बाद में देखिए, बहुत सारे लोग देखेंगे, अधिकतर लोग बाद में देखेंगे, इसीलिए YouTube के ऊपर ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी नोट्स बना सकते हैं, कभी भी आप तैयारी कर सकते हैं, कभी भी आप YouTube के ऊपर जाकर वो वीडियो उस डेट का निकाल कर, डेट वाइज तारीख से निकाल कर आप देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन जो जो लोग गंभीर हैं, मैं चाहता हूं मेरे WhatsApp के ऊपर, मेरा नंबर आपके पास है, मेरे WhatsApp के ऊपर कृपया एक बार आपका नाम मुझे जरूर भेज दें कि ये मेरा नाम है और मैं इस जगह से हूं और मैं एक साल की ये बाइबल सेमिनरी करना चाहता हूं। अगर आप हर महीने 500 रुपए दे सकते हैं तो जरूर परमेश्वर की महिमा के लिए हर महीने आप 500 रुपए दें। अगर आप नहीं दे सकते तो आप 100 रुपए देकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 100 रुपीज देकर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप कह सकते हैं पास्टर जी अभी मेरी परिस्थिति ऐसा नहीं है कि मैं हर महीने 500 रुपए दूं, तो मैं केवल एक बार 100 रुपए दे सकता हूं। तो आप कम से कम एक बार 100 रुपीज पूरे साल के लिए सिर्फ 100 रुपए, पूरे साल के लिए सिर्फ 100 रुपए, आप देख रहे हैं, आप देकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है देने के लिए, तो कोई बात नहीं। अगर आप कहते हैं कि मैं करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं आपको पैसे देने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसको छपवाने का भी खर्चा होगा, जो मेहनत की जा रही है, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो नोट्स बनाए जाएंगे उनको बनाने का भी खर्चा होगा, है ना। और साथ ही साथ आप इस बात को
समझिए कि जहां पर हम कुछ देते हैं वहां पर हम फिर उसको थोड़ा गंभीरता के साथ लेते हैं कि हाँ हमने वहां पर फीस दी है या हमने वहां पर 100 रुपए दिए हैं या वहां पे हमने 500 रुपए दिए हैं, तो हम उसको एक गंभीरता के साथ लेते हैं, उसको एक सीरियस होते हैं उस बारे में और उसको लगन के साथ हम सीखते हैं। लेकिन कई बार जब हम बस कुछ नहीं देते तो हमको लगता है कि बस ये ऐसे ही है, लो मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकार का एटीट्यूड हमारा, इस प्रकार का व्यवहार हमारा हो जाता है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा मकसद है कि हम गंभीर हों, मेरा मकसद है केवल हम गंभीर हों। आप मुझसे पैसे लेकर गंभीर होना चाहते हैं तो आप कहिए पास्टर जी आप दे दीजिए, हम गंभीर हो जाएंगे, तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे हर महीने 500 रुपए ले लो लेकिन आप बाइबल कोर्स कर लो, आप मुझसे ले लो 500 रुपए हर महीने लेकिन आप कम से कम गंभीर हो जाओ करने के लिए। बस मैं ये चाहता हूं कि हम जब निकले ना सीख के, हम जब निकले सीख के इन सब बातों को, ओ हालेलुया, परमेश्वर की ऐसी महिमा हमारे जीवन से हो पाए जैसी परमेश्वर हमारे जीवन से लेना चाहता है। हमारा मकसद परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का आना निकट है। आज समय में देख लीजिए जो मणिपुर में हो रहा है, अब आसाम में भी शुरू हो गया है, देख लीजिए कहां कहां क्या क्या हो रहा है बाहर देशों में, विदेशों में, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे आसपास। ये सब बातें इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। और अगर इस समय में, इन परिस्थितियों में, इन हालातों में हमें कोई चीज संभाल सकती है तो वो परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, वो परमेश्वर का वचन है मेरे प्रभु, जिससे हम भी संभलेंगे और उसके द्वारा और बहुतों को संभाल पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो हम नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से आपसे मिलेंगे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके मैसेज का वेट करूंगा। आप जरूर अपना मैसेज करके बता दें कि आप इस बाइबल सेमिनरी को करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस इंट्रोडक्शन क्लास में आपकी अगुवाई के लिए। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके लोग तैयार होने पाए मेरे परमेश्वर। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को मिले, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में। आमेन 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी लोग सुपर ब्लेसेड है क्योंकि आप सभी लोग सुपर अनॉइंटिंग के नीचे हैं। आमेन आमेन।